इससे पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को स्टडी किया। ज्योमेट्रिक सीरीज एक्चुअली सम ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला देखा, एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन वन। और अगर हमारे पास आर इज ग्रेटर देन वन तब फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये फॉर्मूला था जब हमने फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना था इन ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन जब इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना था तब हमारे पास फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर। कंडीशन इज आर इज लेस देन वन। अगर हमारे पास आर वन से ग्रेटर होगा तो तब हमारे पास सम इन्फिनिट आएगा, फिनिट नहीं आएगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हमने इसकी पहली 15 टर्म का सम फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म ए वन इज 1 और कॉमन रेशियो हम निकाल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 1/3 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1/3। एन हमारे पास है 15, हमने 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू 1/3 less than 1 है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर वन माइनस आर। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे एस 15 इज इक्वल टू ए वन हमारे पास है 1 into 1 minus 1/3 whole raised to power 15 divided by 1 minus 1/3। इस तरह की हमने एक एग्जाम्पल भी पिछले लेक्चर में सॉल्व की है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है तो इसका आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.499 जो कि हमारे पास फर्स्ट 15 टर्म्स का सम होगा। देन इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज सम टू एन टर्म्स द सीरीज। सीरीज हमारे पास है 3 plus 33 plus 333 plus so on अप टू एन टर्म्स। हमने एन टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू 3 plus 33 plus 333 plus so on अप टू एन टर्म्स। इस सीरीज को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाए। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए और डिवाइड भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे हमारे लिए सीरीज बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/3 × 3। हाफ टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहली टर्म हमारे पास हो जाएगी 9 प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 99 प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 999 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये जाएगा 1/3 × 9। एक्चुअली हमारे पास 10 - 1 भी तो होता है, 10 - 1 इज 9, तो मैंने 9 को इस फॉर्म में लिख दिया 10 - 1 प्लस 99 को लिख दिया 100 - 1 प्लस 999 को लिख दिया
1000 minus 1, similarly so on up to n terms. यहां से हमारे पास दो सीरीज बन जाएंगी, 1 over 3 into फर्स्ट सीरीज में ये वाले टर्म्स ले लें, 10 plus 100 plus 1000 up to so on to n terms, माइनस नेक्स्ट में सारे वंस, 1 plus 1 plus 1 plus 1 सो ऑन अप टू n टर्म. अब हमारे पास दो सीरीज बन गई, दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं, तो दोनों सीरीज को अब हम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट सीरीज ये वाली, सेकंड सीरीज ये वाली. इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू 1/3 इनटू, यहां पे वो वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू a1 इनटू r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, क्योंकि यहां पे r हमारे पास 10 होगा जो कि 1 से ग्रेटर है. तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इनटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1 इस सीरीज के लिए, और दूसरी सीरीज के लिए 1 को हम n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n. इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 इनटू 10 ओवर 9 इनटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस n, व्हिच इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज. हमारे पास सीरीज एक दी गई थी लेकिन वो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं थी. हमने पहले उसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाया तो हमारे पास दो सीरीज आ गई. उसके बाद हमने सम ऑफ सीरीज का फार्मूला यूज किया, हमारे पास आंसर आ गया. इसका दूसरा पार्ट वो बिल्कुल आप इसी तरीके से खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज सम टू n टर्म द सीरीज सीरीज हमारे पास दी गई है 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सॉरी प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड सो ऑन. हमने सीरीज का सम फाइंड करना है n टर्म्स तक, जो कि हमारे पास होगा Sn इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. अब ये सीरीज भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, इसको भी हम ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लेके आएंगे. तो इसको अगर मैं a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में आ जाएगी. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a माइनस b, तो Sn हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर a माइनस b इनटू a माइनस b प्लस a माइनस b इनटू a प्लस b, हर टर्म के साथ a माइनस b मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्लस a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सिमिलरली इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड so on up to n terms. Sn is equal to 1 over a minus b into, ये हमारे पास हो गया a minus b. अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास हो जाता है a square minus b square plus
नेक्स्ट टर्म a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। और नेक्स्ट टर्म इसी तरह हमारे पास होगी a रेज टू पावर फोर माइनस बी रेज टू पावर फोर अप टू n टर्म्स। तो यहां से हमारे पास ये एक सीरीज बन गई, या इसको भी हम ओपन कर लें, और वन ओवर ए माइनस बी इंटू ए वाले टर्म्स को अलग कर लें, बी वाले टर्म्स को अलग कर लें, ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेज टू पावर फोर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस बी रेज टू पावर फोर प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो हमारे पास दो ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई जिनको अब हम सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे ना जाएगा वन ओवर ए माइनस बी इंटू इस सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी a इंटू ए रेज टू पावर n माइनस वन ओवर a माइनस वन बाय यूजिंग सम ऑफ सीरीज फॉर्मूला, माइनस इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी b इंटू बी रेज टू पावर n माइनस वन ओवर b माइनस वन विच इज द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज हमारे पास दी गई है लेकिन वो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। सबसे पहले हमने उसको ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लेके आना है, उसके लिए हमने उसको a माइनस बी और a प्लस a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो हमारे पास दो सीरीज आ गई, दो सीरीज को फिर हमने सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। देन इज क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव इज फाइंड सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। हमने इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना है, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, उनमें से मैं एक दो कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर टू देख लेते हैं, उसमें सीरीज दी गई है वन प्लस टू प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय एट एंड सो ऑन। यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म ए वन हमारे पास है वन बाय टू, कॉमन रेशियो हम फाइंड करें आर तो वो होगी वन बाय फोर डिवाइडेड बाय वन बाय टू विच इज इक्वल टू वन बाय टू। चूँकि हमारे पास आर जो है ये लेस देन वन है तो हम सम ऑफ सीरीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हम लगाएंगे एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है वन बाय टू डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय टू, इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वन बाय टू डिवाइडेड बाय दिस विल बी टू माइनस वन बाय टू हो जाएगा वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू विच इज इक्वल टू वन। सो सम ऑफ दिस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज वन। सिमिलरली बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप खुद करेंगे। सबसे पहले आप ए वन फाइंड कर लेंगे जो गिवन होगी, कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। अगर तो हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो आर से लेस होगी, कॉमन रेशियो जो है वन से लेस होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो कन्वर्जेंट सीरीज है, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी और उसका जो सम होगा इन्फिनिट टर्म्स का वो इन्फिनिटी तक होगा। एक और पार्ट मैं कर देता हूँ, अब ये पार्ट देख लें।
लास्ट पार्ट सिक्स, उसमें हमारे पास सीरीज दी गई है 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.005 एंड सो ऑन। अब देखें, फर्स्ट टर्म गिवन है A1 इज इक्वल टू 0.1, कॉमन रेशियो फाइंड कर लें, R इज इक्वल टू 0.05 ओवर 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। चूंकि R लेस देन 1 है तो हम इन्फिनिटी टर्म्स तक सम फाइंड कर सकते हैं। S इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R, A1 इज 0.1 ओवर 1 माइनस R इज 0.5, तो ये हो जाएगा 0.1 ओवर 0.5 विच इज इक्वल टू 0.2। सिमिलरली बाकी जितने ही पार्ट्स हैं इसी तरीके से होने हैं और उनको आप खुद इजीली कर सकते हैं। सिर्फ ये इन्फिनिट टर्म्स वाला फॉर्मूला ये आपने लगाना है, कॉमन रेशियो फाइंड करनी है और वैल्यूज पुट कर देनी है। देन इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड अ वुलगर फंक्शन इक्विवेलेंट टू रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स के इक्विवेलेंट हमने वुलगर फंक्शन फाइंड करना है। पहला पार्ट हम देख लेते हैं, 1.34 रिकरिंग। वुलगर फंक्शन एक्चुअली होता है कि हम न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको लेके आए, तो ये रिकरिंग डेसिमल्स है। रिकरिंग डेसिमल्स मींस कि ये बिल्कुल इसी तरह रिपीट हो रहा है। 1.34 रिकरिंग इज इक्वल टू 1.34 34 34 34 एंड सो ऑन। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 प्लस 0.3434 एंड सो ऑन। फर्दर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो यह जाएगा 1 प्लस 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.00034 प्लस सो ऑन, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0.34 को लिखा जा सकता है 34 ओवर 100। इसको लिखा जा सकता है 34 ओवर 10,000 प्लस इसको लिखा जा सकता है 34 10 लाख। प्लस सो ऑन। अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस A1 ओवर 1 माइनस R। A1 हमारे पास है 34 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो वो आएगी 1 ओवर 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1
प्लस 34 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 99 ओवर 100 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 34 ओवर 99 विच इज इक्वल टू 133 ओवर 99 विच इज ए वुलगर फंक्शन इक्विवेलेंट टू दिस रिकरिंग डेसिमल्स। बाकी इसके सारे पार्ट्स आपने इसी तरीके से करने हैं, जो रिकरिंग डेसिमल दिया गया होगा सबसे पहले उसको आपने रिपीट करके लिख देना है, यानी कि वो जितने टाइम्स वो दिए गए होंगे वो डेफिनेटली इन्फिनिटी तक वैसे ही जाता जाएगा। उसके बाद उसको अलग अलग करके लिख लेना है, जो फ्रैक्शन वाले पार्ट्स होंगे उसको फिर थोड़ा सा ओपन कर लेना है और एक सीरीज़ की फॉर्म में ले आना है, और इन्फिनिट सीरीज़ का फॉर्मूला लगा के आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।